सो हेलो व्हाट इज अप गाइस, आज हम करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट वीडियो जो कि हम दिखाएंगे कि एक पतंग और पतंग पे हम लिख देंगे कुछ अपनी डिटेल्स वगैरह, जिससे कि हम देखेंगे कि वो किसको मिलती है और जिसको भी वो पतंग मिलेगी हम उसको आईफोन गिफ्ट करेंगे कोशिश करेंगे आईफोन गिफ्ट करने की, देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये है हमारी पतंग जो कि प्रयास किए जा रहे हैं वंश के द्वारा, बहुत अच्छे पतंगबाज हैं और साथ में कोई और बाज भी हैं। ये भाई ये क्या लिखना चाह रहे हैं पतंग पतंग के ऊपर? ये बस हमने नॉर्मली बस लिख दिया है बस ऐसे यार, नंबर वंबर छुपा लो भाई, तो इसको पतंग उड़ाओ। तो हमारे साथ दो दो पतंगबाज हैं जो पतंग उड़ाने का भरसक प्रयास करते हुए, पर ये पतंगबाज नहीं है कुछ और ही बाज हैं, देखते हैं किसको मिलती है ये पतंग। आई होप किसी अच्छे से बच्चे को मिल जाए। तीसरा बाज भी असफल। तो गाइज उन दो बाजों से पतंग ना उड़ने के बाद तीसरा बाज भी पतंग उड़ाने आ गया है और देखते हैं गाइज ये पतंग उड़ कैसे नहीं रही है। धीरे धीरे हमारी पतंग गाइज रफ्तार पकड़ती हुई वंश बाज द्वारा हमारी पतंग उड़ाई जा रही है और इस पर बेसिक डिटेल सारी हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और क्या कहना चाहोगे बाज जी? बस देखते हैं भाई क्या होता है, डील देते जा डील। तो गाइज हमारी पतंग और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, हम चाहते हैं किसी अच्छे आदमी को मिले वो। तो गाइस हमारी पतंग बहुत दूर तक जा चुकी है और वंश बाज द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। सच में आसमान में बहुत सारी पतंगें हैं, जैसे एक पतंग उड़ रही है और एक पतंग वो उड़ रही है, एक हमारी भी उड़ रही है, तो आज बहुत सारी पतंग आसमान में उड़ रही है, इसे देखकर काफी अच्छा लग रहा है मुझे। गाइस सच में हमारी पतंग बहुत दूर जा चुकी है और देख भाई तो 200 ज्यादा ले रहे लेकिन लैंड कराते। वंश जी आपको कैसा फील हो रहा है? फाइनली हम जीत गए भाई, पतंग उड़ गई भाई, ऐसी कम हवा में भाई पतंग उड़ा दी हमने। अरे गाइस हमारी पतंग बहुत ऊपर जा चुकी है, जैसा कि देख सकते हो एक बार पतंग दिखाइए, पतंग तो हड्डी रेंज तो बाहर सी, गाइस पतंग तो इतनी ऊपर चली गई है देखो, उड़ा उड़ा मेरी जिंदगी से दूर पतंग जाती जा रही है और तेरी जिंदगी से दूर तो सब कुछ जा रहा है। दोस्तों हमारे कंपटीशन में आज तो बहुत सारी पतंग उड़ रही है, एक देखो आपको यहाँ दिख रही है और उधर, अरे ये तो कौआ था, ये पता नहीं गुस्सा क्यों कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो गाइस हमारी पतंग सच में बहुत ऊपर जा चुकी है, एक बार दिखाओ, और सच में उस पर अभी भी लिखा हुआ है वो पेपर सारा कुछ, और अब मैं इसे तोड़ेंगे थोड़ी देर बाद और देखेंगे किसको मिलती है ये। आई होप किसी अच्छे, थोड़ा और ऊपर जान दो यार इसको। हाँ तो लो भाई और ऊपर जाने देते हैं, डील दे दो जैसे गर्लफ्रेंड को दी थी। भाई तुम जैसे लोगों की वजह से ही पंछी मरते हैं, तुम जैसे लोग जो पतंग उड़ाते हैं ना ये पेड़ों पे उलझ जाती हैं, धागों से पंछी टकराते हैं। भाई तुम क्यों मतलब इतना वो कर रहे हो यार? सही कह रहे हो आप। गाइस हमारी पतंग सच में बहुत ऊपर जा चुकी है और थोड़ी देर बाद हमारा धागा भी खत्म हो जाएगा और हम इसे छोड़ देंगे, पूरी पतंग हम छोड़ देंगे और देखेंगे कि जिसके पास भी ये जाती है लाइक जो भी हमने रखा हुआ है सरप्राइज वो तो हम दे ही देंगे। और पतंग सच में बहुत दूर जा चुकी है, इधर इधर और काफी मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है क्योंकि दिल्ली में आज बरसात पड़ी है बहुत दिन बाद, ऐसे रोज पड़ जाए तो काफी अच्छा है। और पतंग काफी टाइट भी हो गया, वो ये ऊपर वाली हवा में जा चुकी है, आई डोंट नो ये सक्सेस होगा कि नहीं। अरे शाहरुख खान की एक्टिंग करके बता दो यार। मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, ओ भाई साहब मेरे पसपासा लग रहा है आप, एक कंधा टेढ़ा हो गए। तो गाइस फाइनली हमारा धागा खत्म हो चुका है और अपनी पतंग को तोड़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ऊपर जा चुकी है और अब हम इसे फाइनली तोड़ने वाले हैं और देखते हैं ये कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। गाइस हमने पतंग छोड़ दी, जिसको मिले भाई ये यार कांटेक्ट जरूर करना, ठीक है? आईफोन लेना है तो यार करना तो पड़ेगा यार। इधर बस की भाई, बस की अभी दिखाऊं क्या? दिखा दे भाई अभी, दिखा दे अभी, दिखा दे भाई अभी, ले ली आईफोन की बात हुई है भाई। अच्छा अच्छा 2 days later हेलो हेलो स्पीकिंग, कौन? एक्चुअली आपने कोई पतंग उड़ाई थी क्योंकि आपकी पतंग मुझे मिली है जिस पर आपने लिखा है कि जिसको भी ये पतंग मिलेगा हम उसे आईफोन गिफ्ट करेंगे। हाँ 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 परसों हमने पतंग उड़ाई थी। हाँ तो वो आपकी पतंग ना मुझे मिली मेरे छत पर, तो क्या सच में आप मुझे आईफोन गिफ्ट करोगे? हाँ हाँ आप आओ, टेंशन मतलब आईफोन गिफ्ट करेंगे हम, करेंगे आप आ जाओ बस। पक्का करोगे ना आईफोन गिफ्ट? अरे टेंशन मतलब आप आ जाओ, हम देख लेंगे आईफोन का, तो आप आओ। पर सच में आप मुझे लगता नहीं किसी लड़की को ऐसे पतंग मिल सकती है, मिल गई बहुत अजीब सी बात है। आप मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दो, मैं ठीक है मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। ओके बाय बाय। कपड़े वपड़े चेंज कर, वो आ रही है, वो 2 मिनट में आ रही है, तो कैमरा पकड़ ले बात करता हूँ। कैमरा पकड़ के रखियो, ठीक है मैं कह रहा हूँ वो आने वाली है, 2 मिनट ये समझ ले, 5 मिनट में आ रही है, लोकेशन सेंड कर दिया। देखते भाई करते वेट। गाइस वो लड़की आ रही है जो हमने एक वीडियो बनाई थी बकचोदी के चक्कर में। हाय हाय,
ओ भाई ये तो वही पतंग है यार वंश जो हमने उड़ाई थी उस दिन सच में। हाँ भाई हाँ तो बहुत गर्मी है लेकिन मैं इतना एक्साइटेड थी आपसे भी मिलने के लिए और अपनी आईफोन भी लेकर। देख कैसे खुश हो रहा है। आप इधर बैठो आओ इधर आओ। अच्छा आप मुझे सच में आईफोन तो दोगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो? वंश भाई बजट है क्या हमारा आईफोन के लिए? तुमने लिख तो दिया ना, मना कर रहा था उस टाइम तुमसे, तुमने लिख तो दिया, बताओ क्या करें। मैं इतनी दूर से गर्मी में आई हूँ मर मर के, मुझे तो आईफोन चाहिए। ऐसे पसीना में निकाल निकाल के आई हूँ पूरी रास्ते। अब भाई यार बोल दिया था यार देना तो पड़ेगा यार, वो लड़की इतनी दूर से आई है इतनी गर्मी में यार। कहाँ छत पे मिली थी? हाँ मैं छत पे कपड़े डाल रही थी तो मुझे अचानक से ये मिला, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा मेरी तो लॉटरी लग गई यार। ले लो भाई आईफोन होगा तभी तो। भाई इसको दिखाओ पहले, देख लो दोस्तों आईफोन ही दे रहे हैं। इसमें कुछ घपला है। तो ये आपका आईफोन, एक बार ओपन करो, नजदीक आओ। मुझे सच में आईफोन मिल गई, आई एम सो एक्साइटेड टू ओपन। प्लीज प्लीज ओपन करो इसे एक बार। ओ हो 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 हो, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं। पागल है तुम, ये क्या कर रहे हो? मुझे डर लगता है लिजर्ड से, मुझे लिजर्ड से डर लगता है। इसका नाम हमने आईफोन रख रखा है यार। नो ये क्या है? नो यार हम तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब आईफोन तो हम देते तुम्हें, बट तुम तो इतना सीरियस हो गए। ये तो हम सब प्रैंक कर रहे थे रिएक्शन के लिए। अच्छा बट मुझे तो लिजर्ड से डर लगता है ना, मुझे क्या पता आपने ऐसा इतना गंदा सा प्रैंक किया मेरे साथ। जा रही हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं पता। अरे रुको रुको ना रुको रुको, अरे आईफोन है, बैठो तुम बैठो 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 बैठ रही है। अरे बैठो तो सही, बैठो बैठो। ये अरे सॉरी ये मतलब ये रहा तुम्हारा आईफोन। अरे सच में आईफोन है? लो ये तो देने वाले थे हम तुम्हें, हम तो बस मजाक कर रहे थे। सच में आप दे रहे हो? सच में आईफोन देने वाले? ऐसी कोई बात नहीं, तुम गुस्सा होकर क्यों जा रहे हो? ये रहा तुम्हारा आईफोन, बस रिएक्शन कैप्चर कर रहे थे तुम्हारा यार, तुमने तो बुरा। ठीक है थैंक यू सो मच आईफोन देने के लिए। तुम्हें यार कैसा लगा ये हमारा काइट वाला पूरा ये सरप्राइज वगैरह कैसा लगा? सब कुछ तो ठीक था, बट जो लिजर्ड वाला सीन था ना वो बहुत वियर्ड था, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा। और ये आईफोन वाला था? ये था कि एक्सपेक्टेशन लगा के आई थी और तुमने एक्सपेक्टेशन खत्म कर दिया मेरा। बट एट दी एंड तो हमने तुम्हें दे दिया ना आईफोन। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें भी तो यार इतनी पतंग वाली धूप में इतना परेशान हो गया है, एक आईफोन तो आप डिजर्व करती हो। बट भाई सुन, हमने 13 वाला आईफोन दिया है भाई, वो क्या कर रहे? सुन भाई कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो कोई दिक्कत। दे दिया तो भाई ऐसा करे, इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है ना, उसको दे दे मेरे को। वैसे आपकी बाल बहुत प्यारी है, बहुत शाइन कर रही है। सच में भैया बहुत शाइन कर रही है। भैया भाई आईफोन ले लिया, इसने भैया बना दिया मुझे, वापस दो।